अस्सलाम वालेकुम, स्टे विद अस टीवी के नाजरीन, मैं उमेर सिद्दीकी, सुहेल सिद्दीकी के साथ। और आवाम की पुरजोर फरमाइश पे कबाड़ा मार्केट, जहांगीराबाद की कबाड़ा मार्केट की एक और वीडियो आप लोगों को दिखाने लगे। की सबसे सस्ती और मायारी चीज़ें यहीं पे मिलती हैं कबाड़े में। कबाड़ में ख़जाना मिल जाता है, मैं आपको ये बता दूँ। बिल्कुल, नाम कबाड़ा मार्केट ज़रूर है, लेकिन चीज़ें नए से भी अच्छी मिल जाती हैं, मायारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जहांगीराबाद की कबाड़ा मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोकेशन आपको मैं बता दूँ शुरू में ही, आपने लोकेशन मिल्लत बेकरी लिखना है गूगल मैप पे। क्या लिखना है? मिल्लत बेकरी गूगल मैप पे, नाजमाबाद मिल्लत बेकरी आप गूगल मैप पे लिखेंगे, लोकेशन आ जाएगी, वहीं से ये मार्केट शुरू है। मिल्लत बेकरी से ही ये मार्केट शुरू है। तो आइए पहला सेक्शन आपको दिखाते हैं, हो सकता है ये पार्ट में आपको वीडियो दिखाएं। तो एल्युमिनियम की खिड़कियाँ और दरवाजे आपको दिखाते हैं। तो छोटा सा काम ये करना है आप लोगों ने कि भाई दिल नहीं तोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको दिखाते हैं एल्युमिनियम की खिड़कियों का और दरवाजों का भी। तो आइए, मेरे ख्याल से यहाँ खिड़कियाँ ही हैं, तो हसनैन से बात करते हैं। भाई हसनैन इधर आना जरा। भाई अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, क्या हाल है? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, खैरियत अल्लाह का एहसान। हसनैन, ये बताओ कि नई वैरायटी आई है एल्युमिनियम खिड़की दरवाजों में आपके पास? जी, मेरे पास नई पुरानी दोनों वैरायटी अवेलेबल है, नहीं प्राइस में। यानी पुरानी जो होती है, जो ओल्ड होती है, उसमें नई से भी अच्छी वैरायटी? नई वैरायटी तो समझ लो इसके आगे कचरा है। ये जो माल है ना, इस माल को आप चेक करें, नई तीन खिड़की लगा लो, ये एक खिड़की लगा लो। अच्छा, इतनी बारी गेज में, अच्छे गेज में ये विंडोज हैं। अगर कोई इस रेट में आपको, जिस रेट में मैं माल दूंगा, कोई दे दे पूरी मार्केट में, मैं आपको गिफ्ट करूंगा। आप मेरे पास कस्टमर आएँ और आपके चैनल के थ्रू जो आएगा उसको और मजीद जो है ना डिस्काउंट में, यकीन समझ लो दूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है और हकीकत भी है, जो हमारे चैनल का नाम लेके यहाँ आता है, वीडियो दिखाता है, उसको ये लोग बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेट करते हैं और मजीद डिस्काउंट उसमें देखी भी है। ये 2x2 का साइज़ रखा हुआ है, ये मैं दूँगा आपको 4,500 रुपये का। अच्छा, ये 4,500 रुपये का जी फाइनल। अच्छा, ये मार्केट में अगर नहीं लेंगे तो कितने की है ये? नहीं लेने जाओगे तकरीबन 8 से 8,500 रुपये की विंडो ही है। अच्छा, जिस मटेरियल में ये बनी हुई है। हाँ, और ये बिल्कुल मिडल में ये तैयार हुई है 1mm के सेक्शन में। 1mm के सेक्शन में, लेकिन बड़ी यार लग तो नहीं रही है, लग ही नहीं रहा कि पुरानी फ्रेश है। ये समझ लें एक तरह से। अच्छा, यूज नहीं हुई ज्यादा। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश खिड़की है। चलो, अच्छा, इससे बड़ी वाली जो इसके पीछे लगी हुई है, इसके पीछे ये लगी हुई है 2x3 है, ये भी 2x3 है, ये 3x3 है, 3x4 है, मतलब जैसे जाएगा रेट आपके थोड़े बहुत बढ़ते जाएंगे। ये रखी हुई है ये 6,000 रुपये की है, ये रखी हुई है 7,500 रुपये की है, ये 3x3 है, ये 2x3 है, प्लस इसमें नेट का पल्ला भी है, 3 पल्लों में तैयार है ये 4 इंची के माल में। अच्छा, काफी बेहतरीन माल है, अच्छा माल है। अच्छा, ये जो इसके पीछे सबसे VIP एक नजर आ रही है, ये वाली, ये 4x4 का साइज है, ये बॉक्स सेक्शन के लाता है, 4 इंची बॉक्स। अच्छा, इसमें एक आता है 3 इंची बॉक्स, लेकिन ये 4 इंची बॉक्स में ये आपको मैं लगा दूंगा फाइनल 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की? 10,000। अगर मैं इसको मार्केट से खरीदता हूँ नहीं, तो ये कितने की पड़ेगी? अगर आप खरीदते हैं जिस गेज में ये बनी हुई है, तकरीबन 1450 रुपये स्क्वायर फीट है खिड़की आपकी, ये बनेगी 28 से 27,000 रुपये की नए में। और आप 10,000 की? और ये गेज नहीं होगा, अंडर गेज होगा, ये गेज 2mm का गेज है। अच्छा, बहुत बेहतरीन विंडो है। चलो यार, जबरदस्त हो गया, ये तो 10,000 रुपये का सीधा सीधा फर्क आ रहा है, और गेज भी अच्छा है, मतलब क्वालिटी भी अच्छी है। दरवाजे भी रखे हुए मेरे पास सिंगल पल्ले के, ऑफिस वगैरह के, वॉशरूम वगैरह के। ये 2.5 फिट का है। अच्छा, वॉशरूम का दरवाजा है, ये ब्लाइंड गिलास है। अच्छा, नज़र नहीं आता। ये 2.5 फिट का दरवाजा मैं आपको लगा दूंगा 13,000 रुपये का फाइनल। ये नया आप बनवाने जाएंगे 30,000-35,000 रुपये का दरवाजा है एक। अच्छा, ये जो इस पे स्क्रेच वगैरह है, इस पे कलर हो जाता है? स्क्रेच वगैरह तो ये आप सरफ के पानी से धोएंगे, आइडिया आएगा। अच्छा, मतलब आप भी खुद भी उसको फ्रेश करके दोगे? पेंट वगैरह लगा हुआ है ये आप बोलेंगे तो आपको मैं फ्रेश करके दे दूंगा, वॉश करके दे दूंगा। और ये आप देंगे कितने का? 13,000 का। 13,000 रुपये का। और इसकी कीमत कितनी होगी यार? ये तो पूरा इतना जम्बो साइज का दरवाजा है, आप लेने जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आपसे, तकरीबन 30 से 32,000 रुपये का दरवाजा है ये नया। यार जबरदस्त हो गया यार, आधो आज से भी कम में आपको दे रहे हैं। और इसका गेज वगैरह क्या होता है? गेज इसका है 2mm। चले भाई, बेहतरीन हो गया, बंदर की तरफ चलते हैं। भाई ये जंबो साइज की खिड़की से शुरू करते हैं, ये कितने की होगी? ये है अपना 5x5 का साइज है, ये भी 4 इंची में बनी हुई है। अच्छा, इसका पल्लों का माल भी 2 इंची का है, गिलास इसमें 4mm लगा हुआ है। अच्छा, बेहतरीन विंडो है ये, आप नहीं लेने जाएंगे नहीं, कम से कम भी आपको ये खिड़की पड़ेगी 28 से 30,000 रुपये की। अच्छा, ये आपको मैं लगा दूंगा 15,000 रुपये की। चलो सही है यार, तुम जो है ना, या तो बैठ जाओ। अच्छा चलो हसनैन भाई, इसके बता दिए, इसके बताओ, ये 5x4 का साइज है। ये कौन सी खिड़की कहलाती है? ये है अपना सुपर डिलेक्स में, सुपर डिलेक्स सेक्शन का नाम है। ये आपको लगा दूंगा मैं 13,000 रुपये, 13,000 5x4 की, 4 इंची में बनी हुई है ये, 4 इंची में, 4 इंची में बनी हुई है। चलो भाई, इसके बड़े साइज के दरवाजे भी है, 4 पल्लों का, ये मेरे पास स्लाइडिंग डोर रखा हुआ है। इसका साइज है 10x7। 10x7? 10x7 आप बोलते हैं तो मैं हटा के दिखाता हूँ। नहीं, ये तो सर परेशानी हो जाएगी, सब हटाने रहेंगे, हटा भाई। हसनैन भाई, ये देखें ऊपर से खिड़कियाँ हटा रहे हैं, गेट दिखाने के लिए आप लोगों को।
ये देखें भाई ऊपर से एक ही पल्ला हट गया है। ओहो दिखा दिखा भाई सुहेल भाई जबरदस्त हो गया है यार। स्लाइडिंग शो स्लाइडिंग गेट है ये। अच्छा ये कितने का स्लाइडिंग गेट ये पूरा जो आपने ये आपको मैं लगा दूंगा फाइनल एक ही दाम 35,000 रुपए का। ये लेने जाएंगे नया कम से कम भी 1,00,000 रुपए का बनेगा ये नया। अच्छा और इसका साइज दोबारा बताओ। 10x7 का इसका साइज है, 4 पल्लों का। 10x7 का इसका साइज है, 4 पल्लों का है ये। और कितने बताया आपने? 35,000 रुपए। और नया बनवाने जाएंगे तो 1,00,000 रुपए से कम का नहीं है। अब आप इससे ज्यादा मजीद और क्या बचत कोई चाहता होगा यार। अच्छा इसमें कोई डिफेक्ट कोई खराबी तो नहीं है? कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी होगी ले जाने के बाद भी कोई डिफेक्ट हुआ मैं जिम्मेदार बैठा हूँ, रिटर्न लाए आपके पूरे पैसा आपको रिटर्न करेंगे। अच्छा कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये कहते हैं यार हम जाते हैं वीडियो देख के तो बहुत से लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, आप इस बारे में बताओ। आप चैनल का रेफरेंस लें, रेफरेंस तो छोड़ ही दें, वैसे भी कस्टमर आते हैं मुझसे मोहब्बत से इखलाक से बात करते हैं और आपका जो रेफरेंस लेकर आएगा उसको मजीद डिस्काउंट देंगे। जबरदस्त हो गया भाई, तो इसमें भी आपके पास और मजीद गुंजाइश है। और ये वीडियो यकीन जाने हमें बनाते हुए बहुत खुद भी मजा आता है क्योंकि आवाम को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग फराहम करते हैं और बहुत अच्छी मतलब इतने कीमत उनकी मतलब क्या कहते हैं उनके पैसों की बहुत अच्छी बचत हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही बचत हो जाती है। बल्कि मतलब अगर आप नया लेना चाहें तो 1,00,000 रुपए की एक चीज़ पड़ ली है और वो चीज़ आप यहाँ से खरीद रहे हैं 35,000 रुपए में और चैनल का रेफरेंस दे देंगे तो शायद 1,000-2,000 रुपए और कम हो जाएंगे। अच्छा इस 3,000 रुपए का 2,000 रुपए का मजीद आपके रेफरेंस पे डिस्काउंट देंगे। और क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा इसके अलावा हसनैन भाई और क्या दिखाना चाहोगे जरा बताओ? चलते हुए आते हैं भाई, ये आ गया मैं हसनैन भाई के पास। 5x4 का साइज है विंडो। अरे वाह भाई वाह, स्लाइड देंगे। कोई बोल दे इसको पुरानी है मैं उसको गिफ्ट करूंगा। अच्छा गिफ्ट करूंगा कोई इसको, खाली बोल दे ये पुरानी है। ये भाई दो उंगलियों से देखें कितनी बेहतरीन स्लाइड हो रही है, बल्कि एक उंगली से कैसी स्लाइड हो रही है देख लें भाई। ना मेरा जोर लग रहा है ना मुझे ताकत लगानी पड़ रही है, ये सिर्फ एक उंगली के इशारे पे इतनी बेहतरीन चल रही है। इसकी कीमत क्या है यार? ये अगर आप नहीं लेने जाएंगे 2mm से भी अबव गेज में बनी हुई है ये 4 इंची बॉक्स। अगर नहीं लेने जाएंगे कम से कम भी 32,000 से 33,000 रुपए की विंडो बनेगी क्योंकि इसका जो कलर है वो पाउडर कोटिंग कलर है। अच्छा सादा कलर नहीं है, कोटिंग हुआ हुआ माल है ये 32 से 30,000 रुपए की नई विंडो पड़ेगी। आपको मैं लगाऊंगा 12,000 रुपए की। 12,000 रुपए जबरदस्त हो गया। तो मतलब ये देखें यहाँ पे ये बचत ऐसी नहीं है कि 10,000, 20, 25, 25,000 रुपए की बचत है इन खिड़कियों के अंदर यार। 20, 25, 25,000 रुपए की यार बहुत आउट क्लास रेट है इन लोगों के और पूरी मार्केट के। मतलब आप यहाँ पे अभी हम आपको और भी दिखाते हैं, लोहे के दरवाजे खरीद लें, यहाँ से गार्डर खरीद लें, यहाँ से जालियाँ गेट जाली वगैरह कुछ भी खरीद लें, हर चीज़ के रेट बहुत आले हैं यार। अच्छा हसनैन भाई और कुछ? जैसे ये रह गई ये खिड़की, ये वाली खिड़की इधर आ जाए भाई। ये आ गई भाई, ये 6x5 का साइज है, ये 6x5 का साइज है, ये 6x5 का जो साइज है ये भी स्लाइडिंग है ना, ये हैवी डबल ए सेक्शन में। इसका पल्ले का माल देंगे 3 इंची का, तो खाली पल्ले का ही माल है इसका। हां बाकी में देखने में भी लग रहा है यार बिल्कुल सॉलिड खिड़की है, 4 इंची बॉक्स के अंदर बनी हुई है, 3 इंची का इसका पल्लों का माल है। अच्छा ये समझ लें अब नया माल तो कंपनी बना ही नहीं रही है। अच्छा। काफी कॉस्टली पड़ता है, कंपनी ने नया माल बनाना ही बंद कर दिया। ये कम से कम भी अगर आ रहा होता ना ये माल तो आप अभी बनवाते तो तकरीबन 40,000 रुपए की विंडो ये आपकी बनती। तो ये मैं आपको लगा दूंगा फाइनली 22,000 रुपए की। 22,000 रुपए की भाई, 22,000 रुपए की ये खिड़की देख लें भाई, अच्छी तरह देख लें। इसका साइज बताना एक बार फिर। 6x5 का इसका साइज है, 6x5 6x5 है और ये 22,000 का। 22,000 रुपए कहा भाई इन्होंने। और इसके अलावा इनके पास वैरायटी बहुत है, खिड़की एल्युमिनियम की खिड़कियों की इतनी वैरायटी है, हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी। मतलब अगर आपका छोटा सा फ्लैट है उसमें लगाना चाहते हैं, या बड़ा आपका शानदार सा बैंगलो है, या अगर आप ऑफिस में लगाना चाहते हैं तो हर किस्म की वैरायटी दरवाजों में यार इसी खिड़की में डिमांड करते हैं यार मुझे ऐसी खिड़की चाहिए, इस साइज की चाहिए। जी जी वो हो जाएगा, हमारे पास कारीगर मौजूद होते हैं, रीसाइज भी करके दे देते हैं। पॉलिश वगैरह तो इस पर होती नहीं है, स्प्रे वगैरह आते हैं इसके। अच्छा स्प्रे वगैरह का कोई कस्टमर अगर डिमांड करता है तो हम उसको करके दे देते हैं। यार ये अंदर वो जो रखी हुई है ये क्या है? दरवाजा है वो सिंगल पल्ले का स्लाइडिंग डोर है, 3x7 का। अच्छा सिंगल पल्ले का स्लाइडिंग डोर है, क्या साइज है? 3x7 है। माल माशाल्लाह पूरा ओवरलोड हुआ हुआ है, तो मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों से कि इसमें आपको वैरायटी की कोई कमी नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए एल्युमिनियम की खिड़की या दरवाजे के मामले के लिए हिसाब के लिए तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी जरा रेट और बता दो जरा। ये भाई आपको मैं लगा दूंगा फाइनल 10,000 रुपए का, बिल्कुल रेनेजेबल प्राइस में। अच्छा रिजनेबल प्राइस है बिल्कुल 10,000 रुपए का। चले भाई बहुत ही जबरदस्त हो गया यार ये तो। अब जो है हम जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, उससे पहले हसनैन का आपको नंबर बता देते हैं। लोकेशन मैंने आपको शुरू में बता दी, लोकेशन ये भी बता देगा, नंबर भी बता दो यार। लोकेशन ऑन रहता है, लोकेशन है मेन गोली मार चुरंगी से, सीधा आप आएंगे सर सैयद वाली लाइन में,
बेकरी पड़ेगी मिल्लत बेकरी, या गूगल मैप पे आप सर्च कर लें मिल्लत बेकरी के नाम से। उसी के साथ ही ये मार्केट स्टार्ट है सर्विस रोड पर, जहांगीराबाद कबाड़ा मार्केट नाम है इसका, और नंबर मेरा है 0315-220-7085। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया यार। चलो हसनैन, और बहुत अच्छी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी हम लोगों ने, एड्रेस आपको बता दिया, गोली मार मिल्लत बेकरी लिखना है, नाजमाबाद मिल्लत बेकरी लिख लीजिएगा, सर सैयद कॉलेज से आगे है मिल्लत बेकरी, और मिल्लत बेकरी के साथ ही ये मार्केट शुरू हो जाती है जहांगीराबाद की कबाड़ा मार्केट। नंबर भी आपको दे दिया, अगर कोई परेशानी हो तो नंबर करके रब्ता कर सकते हैं, कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपनी वीडियो का अख्तितम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका बनाने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा, उसमें आपको दिखाएंगे दरवाजे, लोहे के दरवाजे। तो भाई उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। We'll be right back.